राम राम सा मंजू शेषमा ब्लॉग चैनल पर थारा बहुत बहुत स्वागत है। तो आज अपन बात कर रहे हैं घूंघट फरता पर, घूंघट फरता फरता या कुछ और क्यों निकाला आपा घूंघट, काई वजह है और क्या शुरुआत हुई की और कत्ता प्रकारों आपा घूंघट निकाला वह बता दूं थाने कि यहाँ घूंघट फरता है कि मतलब शहरा में तो अब कम देखभाल मिला है लेकिन गाँव के मायने भी यही निकाले हैं औरतं और यह सदियाँ सुमा लियो कि आपा कोई चीज़ ने ढो रहा मतलब भी हिसाब आप चाल रहे हैं अभी घूंघट पड़ता ले। तो थाने मैं पहले तो घूंघट का प्रकार बता दूँ कि कत्ता प्रकारों आप घूंघट निकाला। तो मान लो कि कोई महिला बैठी है कोई काम कर रही है कोई साइड में आदमी निकल रही है तो वह यहाँ कर ले यहाँ हिसाब जब भी कोई चेहरों को दिख है इस साइड में और कोई अठिनों निकल रही है तो वह यहाँ कर ले तो भी चेहरों को दिखे भी। और फिर मान लो कि आप घरों बारे कोई काम कर रहे हाँ मान लो खेत में काम कर रहे हाँ कठिन जा रहे हाँ तो भी टाइम निकाल तो घूंघट ये निकाल ले काम करे ने जन ये रहनो पड़े घूंघट में। और फिर आप मान लो कोई शादी समारोह के मायने आप कोई चीज आप देख रहे हैं कोई रस्म मैंने कोई ने देख रहे हैं तो भी हिसाब आप मतलब यहाँ अतो कर ये देखा हिसाब है ज्यादातर तो अब देख लो घूंघट तो ही रखे हैं कि बारह लड़कियां हैं मान लो फटी लिखी हैं जिसकी तो ही रखे हैं पर जिसकी पहले की है ना मान लो थोड़ी बहुत कम फटी लिखी है या अनपढ़ है जिसकी लास्ट पीढ़ी अनपढ़ डाली है वाह है ना जिसकी तो रखे है तो घूंघट रखे है तो एक घूंघट प्रथा की शुरुआत जब हुई जब युद्ध होता राजा महाराजा के टाइम हुई एड़िया शुruaत आ ये वजह से एड़िया की मतलब कोई की औरतों की मान लियो कि एक राज्य की औरतें ही वो दूसरे ही राज्य का आज का मतलब आदमी उतारने पर माने देख रहे की मतलब नीयत खराब हो जाती भी टाइम तो भी नीयत खराब बाकी वजह से ही आ घूंघट फरता ही भाई पर्दा फरता भाई पर्दो खेल लेने औरतं तो दूस मतलब आदमी बेगी से शक्ल को दिखे शक्ल सूरत में दिखे ना वकी नीयत खराब बोलू है। तो इको एक उदाहरण देऊँ थाने चित्तौड़ की रानी पद्मिनी ही ना भी की सुंदरता ने देखकर अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करियो तो वह रानी पद्मिनी वह खुद ने आग में जला ली आप मतलब खुद की इज्जत बचावा की खातर खुद ने आग में जला ली वो चित्तौड़ पर आक्रमण करियो जना। तो ई वजह से आप पर्दा फरता की एक मतलब बनाई रही ही लेकिन आप अभी लेट ढो रहे हाँ और मान लो कि आप कोई लड़की की शादी कर रहे हाँ और भी घर में पर्दा फरता है तो वह मतलब घूंघट निकलवा रहे हैं तो वो घूंघट की मतलब मेन कारण का ही है कि मतलब वो सम्मान को नहीं वो आप मतलब ये होगा कि भाई अब बहु ने देकर मतलब जेठ की सास मतलब ससुर की नीयत खराब हो जैसी ये वजह से ही मतलब शुरुआती तौर पर ये वजह से ही निकाल रहे है तो फिर मतलब पर्दा को मतलब भी वही है भाई की नीयत खराब हो जैसी। और अपन मतलब मैं वह बेटी के माँ बाप ने कहा वो चाहूँ कि मतलब उनकी नीयत खराब हो जैसी शक्ल देख रही तो अपन यहाँ का घर में अपनी बेटी देवाई क्यों। तो अपन ने मेरी सोच यहाँ की है कि मतलब घूंघट नहीं निकालना चाहिए अपन सम्मान कराने तो बिना घूंघट के भी कर सका। तो कई आदमी यहाँ का ही मतलब जो सास जेठ वह कई परिवार में यहाँ का वह जो मतलब बारह बैठे ने और बस की बहु बेटी वह मगन वह कौन ध्यान देवे चाहे वह घूंघट निकालो चाहे मत निकालो मायने वे आराम से आपको काम कर सकें वन कोई मतलब को नहीं वह बस आपका बारे बैठे नहीं काम काम धंधा धंधा मतलब रखें। लेकिन कई आदमी यहाँ का ही हुए जो वह भीन नहीं तो घूंघट में मरबो करे और वह आदमी सारे दिन ये तक लगाबो क्योंकि कितना सी को मुंडो दिखा है तो भी अण का आदमी हो तो बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए। और जब आप थोड़ा बहुत नॉर्मली सम्मान करें ना भाई हाँ ठीक है मायने बींदनी बैठी है आपको काम कर रही है तो बियाण का आदमी हो नॉर्मल घूंघट निकाल लो लेकिन घूंघट नहीं निकालना चाहिए मेरा हिसाब में घूंघट अपन निकालनी नहीं चाहिए क्योंकि ओनली घूंघटों का ही मैं कुछ भी गुनवाए अपा जब मान लो शादी करे स्टेज पर खड़े रहे भी टाइम तो सब मुंडो देखे हैं आजकल तो गड़े मुंडे फेरा भी करा हुए भी टाइम भी देखे हैं सगाई करें तो भी आजकल तो सारा गरखा देख रहे हैं जना फिर दूसरी थोड़ी ना जाए तो अपन यहाँ मतलब खुद ने सोचना चाहिए जो परिवार में बड़ो बुजुर्ग हुए ना भी ने सोचना चाहिए कि भाई जब वह बहनी आप घर हुए ना भी टाइम बोल देना चाहिए कि देख बेटी तू घूंघट मत निकाल। तो एक इंसान बोल सी ना जब कि शुरुआत में कई बोल दी सी ना आप घूंघट पड़ता धीरे धीरे कम हो जैसी एक दिन में कम कर पर आप खुद सोचा और अपना परिवार में लागू कराने जब धीरे धीरे कम हो जाए लेकिन आप इन कम कर को चाह रहे ही नहीं
अपन तो मतलब जी हाँ एक निकाल रही है बीके पीछे पीछे दूसरी निकाल रही है, दूसरी के पीछे पीछे तीसरी निकाल रही है और भी मतलब एक फरताने ढो रही है। तो थाने मेरा वीडियो कैसे लगे मन कमेंट कर बता दीजिए। मेरी तो सोची है कि भाई देखो घूंघट नहीं निकालना चाहिए और मैं तो लगभग निकालू ही को नहीं, यानी आदमी को सामान जरूर करूँ जो मेरा सामान करे, जटे मेरा सामान नहीं बटे अगला को सामला को सामान बिल्कुल भी को नहीं। तो मैं खुद की बात कह रही हूँ, दूसरा की बात में देखो ऐसे का अलग अलग विचार हुए हैं, तो मेरा हिसाब घूंघट नहीं निकालना चाहिए। और आमने सामने मतलब बात करवा सो कोई प्रॉब्लम कौन हुआ है, आप बात भी कर सका कोई प्रॉब्लम कौन हुआ है। आप मान लो कि बार बाई चांस से एक औरत घर में है और घर वगैरह ससुर जी है बिके टापर टूपर नहीं हुआ है, तो वो मान लो बाई चांस कोई दर्द दर्द हो जाए कोई बीमारी हो जाए तो वह दूसरे पड़ोसी इंतजार के बीच के बजाय तो आपका ससुर जी ने बोल रखे देखो देखो पापा जी मेरे आ बीमारी होगी तो भी मैं बढ़िया रहने मतलब दूसरा ना आप जाऊँ बोल रखे वहाँ भी ना हो तो पहली कह देना पाँच मिनट पहले इलाज हो जाए भाई, दस पंद्रह मिनट पहले हॉस्पिटल पुगे आप दूसरा कम जाऊँ या नहीं की स्थिति भी हो जाए कई बार कि आप दूसरा के घर भी कौन पूछ सका भैया। तो आजकल देखो सब कन फोन वह है लेकिन कई टाइम फोन भी जवाब दे दें, यहाँ की भी समस्या चाहिए कई टाइम फोन भी जवाब दे दें, कई आग लोग उठावे को नहीं कई टाइम लागे को नहीं, तो कई टाइम आपने यहाँ की स्थिति को नहीं हुआ कि आप फोन कर सका। तो अपन घर में जो मेम्बर हुए ना वह आप बातचीत कराने जब वो डर को रहे आप हर बात वहाँ बता सका खुले, बाकी आप बातचीत नहीं करा घूंघट करता मेरे वहाँ जना मतलब आप हर बात वह के साथ मैं शेयर कौन कर सका। तो मेरा विचार यहाँ का है थका विचार किया का भी मेरे साथ शेयर कर सको थे कमेंट में और मन बता दीजिए कि मेरे वीडियो कैसे लगे। आप मैं वीडियो अगर नया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए, ठीक है। राम राम साहब मिला नेक्स्ट वीडियो।